शादी फंक्शन में जाने के लिए हर बार नई ज्वेलरी खरीदना पॉसिबल नहीं होता और एक ही ज्वेलरी को बार बार रिपीट करना लुक को थोड़ा बोरिंग बना देता है। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आप अपनी ज्वेलरी को अलग अलग तरीकों से कैरी कर लुक में वैरायटी लाने के साथ ही स्टाइलिश भी नजर आ सकती हैं। पायल का इस्तेमाल हम चोकर की तरह भी कर सकते हैं। इसके लिए गोल्डन या ब्लैक धागे को पायल के एक साइड में बांधे और इसे पायल के दूसरे सिरे पर लगे हुक में बांध ले और तैयार है आपका स्टाइलिश चोकर। चांद वाली या अफगानी किसी भी तरह की हैवी इयररिंग्स को लेकर उसके टॉप पर गोल्डन या ब्लैक धागे को बांधे और इसे हेयर पिंस की मदद से फिक्स कर ले। इसे पहनने के बाद लुक कुछ ऐसा नजर आएगा। नेकलेस से वेस्ट चेन। अगर आपके पास भी ऐसी लॉन्ग नेकलेस है तो उसे आप वेस्ट बेल्ट की तरह भी कैरी कर सकती हैं। साड़ी के साथ इसे पहनने पर लुक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। चेन से जुड़ा एक्सेसरीज। साड़ी के साथ बन हेयर स्टाइल बना रही हूँ तो उसे भी एक्सेसराइज करना तो बनता है। इसके लिए आप किसी पुरानी चेन का इस्तेमाल कर सकती हैं। बस उसे ऐसे जूड़े में फिक्स करें और हेयर पिन से इसे लॉक कर लें। रिंग से जुड़ा पिन। अगर आपके पास कोई पुरानी चेन नहीं है तो आप रिंग को भी बन एक्सेसरीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। मार्केट में मिलने वाली फैंसी रिंग्स को आप अपने अनुसार फिक्स कर सकती हैं। तो बस रिंग को लेकर उसे इस तरह जूड़े में फिक्स कर ले। पीछे से देखने पर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है।